बच्चे अब हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है जल्दी से, बड़ा आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा बड़ा आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है। करना क्या है जी, हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक ये एंड एक ये, और बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक होता है, जो इंसुलेटिंग मीडियम होता है, उसका नाम मैंने आपको बताया है, उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो अब हमने फाइंड करनी है इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो बेटा अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करते हैं। पहली बात तो ये कि आपने याद रखना है कि वैक्यूम में इसकी जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला भी हमने पढ़ा, चार्ज बाय वोल्टेज, पढ़ा ना अभी आपने कैपेसिटेंस का फार्मूला। वैक्यूम में क्या होता है भाई, चार्ज बाय वोल्टेज, यानी अगर ये दोनों के दरमियान मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, वैक्यूम हो तो फिर आप क्या फार्मूला लगाएंगे, क्यू बाय वी। अच्छा दूसरी बात आपने यहाँ पर ये याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, आप देखें क्योंकि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं ऑपोजिटली चार्ज, तो आपको याद है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज, दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स जो होती हैं ना उनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने कहाँ फाइंड की थी बेटा, आपको याद होगा हमने गॉसेस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन की थी। तो गॉसेस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन में हमने ये पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी जी, कि ई इज इक्वल टू, एक मिनट दीजिएगा, पढ़ी पढ़ी बात ये थी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ी थी हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, याद है ना आपको। अच्छा फिर इसके बाद अब आपने ये भी बात याद रखनी है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है वी बाय डी, ये कहाँ से आया आपको याद है, आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था ई इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। इस फार्मूले को आप सिंप्लीफाई करें ना तो ये फार्मूला लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू वी बाय डी। बहरहाल ये फार्मूला आपके पास है, अब आप क्या करें जी, आप क्या बोलें, आप कहें जी ये जो है, पहले हम डब्बे बना लेते हैं, ऐसा करते हैं आप बोलें जी ये है इक्वेशन नंबर वन, ये है इक्वेशन नंबर टू, और ये है इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशंस के नाम दे दें, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री। अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर टू और थ्री को कंपेयर करना है। तो नाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर इक्वेशन टू एंड थ्री। अब टू की लेफ्ट साइड पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और थ्री की इलेक्ट्रिक साइड पर भी, लेफ्ट साइड पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो आप इस ई की जगह वैल्यू पुट कर दें, जब आप ई की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा जी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी बाय डी। ठीक होगी बात बेटा। अब आपको पता है कि ये जो है ना, ये सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपने यहां से ये बात याद रखनी है कि नाउ मुझे ये पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हमने बोला है सिग्मा, वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पर भी हम यही बात करेंगे, हम सिग्मा की जगह लिख देंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा की जगह आ जाएगा बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया, और डिवाइड में आप लिखेंगे जी, डिवाइड टेढ़ा हो गया हमारा, डिवाइड में आप लिखेंगे जी टू एप्सिलॉन नॉट, और बराबर में आप लिखेंगे जी वी डिवाइड बाय डी। ठीक होगी बात। अब आप क्या करें जी, आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ये आप देखें जरा, ये जो ए है आपके पास ये डिवाइड हो रहा है, तो फिर इसको आप इसके साथ लिख दें एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो बेटा ये इक्वेशन आपकी बनेगी क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए बराबर है वी बाय डी के। अब आपने बच्चे क्या करना है, आपने ये डी को इधर ले आना है और ये क्यू को आपने, कलर चेंज कर लूं मैं, ये क्यू को आपने डी की जगह ले आना है। ठीक है बेटा, अब जरा ये काम करके देखें। अब जब आप ये काम करेंगे तो क्यू की जगह आएगा डी, डी
डिवाइड में आएगा जी 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और इधर आएगा जी वी बाय सी। बेटा अब आप क्या करें जी, आप इसको उल्टा दें। जब आप इसको उल्टाएंगे, इस इक्वेशन को उल्टाएंगे, तो ये वाली साइड भी उलट जाएगी, तो क्या होगा जी, इक्वेशन की ये वाली साइड बनेगी सी बाय वी, और ये वाली साइड बनेगी 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, सी कैसे सर, सी का क्या मतलब है बच्चे? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू आएगा, क्यू, सॉरी मिस्टेक हो गई। अच्छा बेटा आप जरा देखें जी, आपको ये बात का पता है कि क्यू बाय वी किसके बराबर है, तो बच्चा बताएगा क्यू बाय वी किसके बराबर है? बिल्कुल, जो क्यू है वो सी के बराबर है, यानी क्यू बाय वी जो है वो सी के बराबर है, तो क्यू बाय वी की जगह आ जाएगा सी वैक्यूम, सी इन वैक्यूम बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए के, और उसको डी से डिवाइड करेंगे। लो बच्चों ये आपके पास आ गई कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, ये 2 कहाँ से आया है, ये 2 क्यों लिखा मैंने? ओहो 2 नहीं आना बच्चे, यहाँ पर 2 नहीं आता, ये याद रख लीजिएगा, मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई, वो मैंने सर, वो आपने, आपको याद है ना शीट ऑफ चार्ज वाला पढ़ा था, इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज, वो इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज में 2 था, तो वो मैंने गलती से 2 लिख दिया, आपने 2 नहीं लिखना, वो एब्सोल्यूट नॉट ही होता है। ले बेटा ये आपके पास है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम, तो हम यहाँ पर चुप करके ये बात लिख सकते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम। अच्छा अब यहां पर आपने आंखें खोल के देखना है बेटा, यहां पर अगर मीडियम आ जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहूं जी इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, अगर मीडियम हो जिसको हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, तो हम बोलेंगे सीधा सीधा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर यहाँ पर मैं डाइलेक्ट्रिक भी लगाऊं, तो आपको याद है मीडियम के लिए हम एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब भी मीडियम आए तो मीडियम के लिए हमेशा हम एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो ये कि अगर मैंने सी इन मीडियम फाइंड करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, साथ लिखूंगा ए और डिवाइड में लिखूंगा डी। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, जब भी मीडियम आए आपको इक्वेशन में एक कांस्टेंट मुतारिफ कराना पड़ता है, जिस कांस्टेंट का नाम क्या है एप्सिलॉन आर। यहां पर एप्सिलॉन आर क्या है जी, तो यहां पर आपने याद रखना है जो एप्सिलॉन आर है उसका नाम हमने रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आर का नाम क्या रखा है बच्चे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी ये डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है, बाकी इसके बारे में अगले स्लाइड्स में हम डिटेल में बात करते हैं। जी बेटा यहां तक डेरिवेशन समझ आई है सबको, एक दफा दोबारा अंडरस्टैंड कर लें हमने किया क्या है, स्क्रीनशॉट ले लें बेशक इसका। हमारे पास कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वैक्यूम में, अगर मीडियम वैक्यूम हो तो वो होता है क्यू बाय वी, और दो पैरेलल प्लेट्स ऑपोजिटली चार्ज हो तो उनका गॉसेस लॉ से फार्मूला निकाला था ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई इक्वल्स टू वी बाय डी फार्मूला भी आता। आप इस ई की जगह, ये वाले ई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो ई की जगह आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और वी बाय डी एज इट इज आ जाएगा। अब आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है क्यू बाय ए, तो ये सिग्मा क्यू बाय ए की जगह यहां पर आएगा क्यू बाय ए, ठीक है, और नीचे एप्सिलॉन नॉट है तो वह एज इट इज नीचे आ जाएगा, और वी बाय डी एज इट इज नीचे। अब ये ए इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट से, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बनेगा और वी बाय डी एज इट इज। अब ये क्यू को, ये वाले क्यू को आप इधर ले आए और डी को आप इधर ले जाए, तो ये बनेगा जी वी बाय क्यू डी बाय टू, ये 2 इधर फिर आ गया, 2 नहीं आना, डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए। फिर आप क्या करें जी, इसको इधर लिख लें और उल्टा दें, क्यू बाय वी बन जाएगा, ये भी उलट जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बन जाएगा। क्यू बाय वी को भी हमने शुरू में पढ़ा कैपेसिटेंस को बोलते हैं वैक्यूम में, इसी तरह का कैपेसिटेंस इन वैक्यूम आ जाएगी, साथ आएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है बेटा। और अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फिर आप एक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंटर करा देते हैं जिसका नाम क्या है एप्सिलॉन आर, और ये आपके पास कैपेसिटेंस है मीडियम अगर आ जाए तो।
अच्छा बेटा, अब यहाँ पर एक और बात, ये वाली जो इक्वेशन है इसको समझना है आप जरा। इस इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा प्लेट्स का एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, कैपेसिटेंस। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो डी के यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी प्लेट्स जितनी दूर होंगी उतनी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम। और आपको याद है अभी ये बातें हमने तो की थी, ये दोनों बातें अभी हमने पढ़ी हैं, ये दोनों बातें अभी हमने पढ़ी हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस में। चलिए बेटा, तो ये दोनों बातें आपने एज एन एमसीक्यू कर ली, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, जो पहले लिया था उसको डिलीट कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बेटा मुझे बताएं। अगर किसी को कोई मसला है तो मेरे साथ वो भी डिस्कस कर लें। जी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, ओके बेटा बाय। चलें अब अगली स्लाइड पर चलते हैं जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में पढ़ना है। देखें जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पहले डेरिवेशन मैं आपको निकाल के देता हूँ। देखें, हमने कहा कि मीडियम में जो कैपेसिटेंस है वो बराबर है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए के, और उसको डिवाइड कर दें डी से। अच्छा बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी मीडियम इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन आर जो है ना, ये वाला एप्सिलॉन आर, इसको आप बाहर लिख लें, तो ये आपके पास बनेगा एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, और अंदर आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए, और उसको टी से डिवाइड कर दें। तो बेटा मुझे बताया जरा, ये किसका फार्मूला है, ये वाला फार्मूला किसका है? जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल, ये सी वैक्यूम का फार्मूला है। तो आप अब जरा मैं नीचे करके दिखाऊंगा ये सॉल्व, देखें। तो हमारे पास बनेगा सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी वैक्यूम। अब यहाँ पर ये जो सी वैक्यूम है ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास एप्सिलॉन आर का जो है फार्मूला वो बनेगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम डिवाइड बाय सी वैक्यूम। यानी ये क्या है, ये कैपेसिटेंस इन मीडियम, मीडियम और कैपेसिटेंस इन वैक्यूम की रेशियो है। तो कहता है द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम, यानी कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब एयर होता है क्योंकि सेम ही होते, ठीक होगी बात। तो ये बेटा आपके पास क्या है, एप्सिलॉन आर। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कोई यूनिट होगा, क्योंकि ये दो सेम चीजों की रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं है। There is a simple thing that they, it has no unit. जी बेटा बात समझ आ गई। अच्छा आप जरा देखें जी, मेथड्स टू इंक्रीज कैपेसिटेंस, ये भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। अभी देखें तो कैपेसिटेंस जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर एप्सिलॉन आर के देखा जाए तो उसके जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर। अगर आप यहां पर सारी बातों को गौर से देखें, अगर आपने कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो एरिया बढ़ा दें, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, प्लेट्स के दरमियान फासला कम कर दें, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, और एप्सिलॉन आर यानी मीडियम डाल दें तो मीडियम डाल देंगे तो तब भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो पहला ये है कि इंक्रीजिंग द एरिया, अगर इंक्रीज एरिया इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी।
दूसरा है डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, डिक्रीज करते हैं डिस्टेंस, और तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस। अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो उससे भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जी बच्चों तो ये जरा स्क्रीनशॉट लें इसका चावा, जल्दी से जल्दी से स्क्रीनशॉट लें बच्चे इसका, जल्दी 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 शाबाश। नन चले बेटा, 1 2 3 ओके जी। अब आगे कुछ है बोला? नहीं बेटा, आगे सारी बातें एंट्री डेस्क के वाले से हैं, तो एंट्री डेस्क के वाले से सारी बातें फिर इंशाल्लाह हम कल करेंगे। कल क्यों करेंगे जी? क्योंकि आज टाइम ओवर हो गया तो हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल और बाकी एंट्री डेस्क के वाले से बातें हम कल करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, अगर कोई बात है तो मैं 2 मिनट आपका वेट करता हूँ, पूछ ले मेरे से, वरना फिर मैं लेक्चर एंड करता हूँ। जी बेटा कोई बात है तो पूछे मेरे से। ऑल ओके बेटा, वेरी गुड, ठीक है। ओके बेटा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।